मैं सरवण सिंह पंदेर शंभू मोर्चे से बोल रहा हूं और जिस तरह से आप जानते हैं कि यह आंदोलन लंबा आंदोलन चल रहा है, इतनी कड़ाके की ठंड में भी बड़ी तादाद में किसान लगातार मोर्चों के ऊपर आ रहे हैं। कल हमने एक चंडीगढ़ पीसी करके अमर अनशन जो डल्लेवाल साहब खनौरी बॉर्डर पर रख रहे हैं उनका ऐलान कर दिया दोनों फोरमों की ओर से, और इसके बाद कल फिर चंडीगढ़ में 12 बजे पीसी करेंगे। सभी पत्रकारों को न्योता देते हैं चंडीगढ़ में, और एक बड़ा ऐलान हो गया और अब इससे बड़ा ऐलान भी आज किया जाएगा। तो ये ऐलान बड़े से बड़े आते रहेंगे और इसमें हम सरकार का ध्यान खींचेंगे। दो ही रास्ते बचते हैं, हम तेज करें आंदोलन या हमारे साथ सरकार बातचीत करके मसलों का हल करे। जिनके ऊपर हम आस लगा के बैठे हुए हैं वो लक्षणें चल रही है अब, तो लक्षणों में मंदिर मस्जिद भारी पड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, बटोगे तो कटोगे, दूसरा बोल रहा है डरोगे तो मरोगे। उनको लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। किसान, मजदूर, नौजवान, छोटा व्यापारी, सभी वर्गों को तिलांजलि दे रखी है हमारे देश के पॉलिटिशियन ने। इसलिए हमें आंदोलन आने वाले समय में तेज करना पड़ेगा। हमें पूरा मालूम है कि जिस तरह से उत्तर भारत में डीएपी क्या मुश्किल पड़ी, पंजाब हरियाणा में धान मंडियों में जो रुला, और वहां पर अभी हरियाणा में भी डीएपी के कारण खुदकुशी हुई और पंजाब में धान बेचने के कारण खुदकुशी हो गई। इसी के साथ पराली के प्रदूषण को लेकर जिस तरह से किसानों के खिलाफ ये पूरे मीडिया में हो हल्ला किया जा रहा है, ये मुद्दे हमारे सामने हैं। एमएसपी लीगल गारंटी कानून, देश के किसान मजदूर की कर्ज माफी, आदिवासियों की संविधान की 5वीं सूची, सभी मांगों को लेकर ये मोर्चा चल रहा है और आज कल जो बड़े ऐलान होंगे। धन्यवाद।